सब प्रथम मेरे बांके बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें, व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें, सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें, बाबा भोलेनाथ अपना स्थान ग्रहण करें, भगवान श्री राम अपना स्थान ग्रहण करें, और आज तृतीय दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन, मेरे भाई बुजुर्ग और यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भक्त देख रहे हैं उनका बार बार धन्यवाद। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने ये परीक्षित कौन था और कैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी महाराज से एक संत का अपमान हो गया, समीक मुनि के गले में मरा हुआ श्राप डाला और वहीं पर समीक मुनि का जो पुत्र संगी कुमार ने श्राप दिया कि इति लंगदे मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन जो सर्पों का राजा तक्षक सर्प उसे डस लेगा, बोलना पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज संतों के पास पहुंचे और संतों के पास जाकर के केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि मरणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कोई तो कहता है कि हवन करो, कोई कहता है यज्ञ करो, लेकिन परीक्षित जी महाराज के मन में शांति नहीं आई और उन्हीं संतों के मध्य में सुखदेव जी महाराज आए तो सुखदेव जी महाराज का सभी संतों ने बड़ा स्वागत किया है। परीक्षित जी महाराज अपने स्थान से खड़े हुए और अपना दुपट्टा नीचे बिछा दिया और कहने लगे, जो भी संत मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है वो इस आसन पर आसीन हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज आसन पर आसीन हुए और वहीं पर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे सप्ताह श्रवण करनी चाहिए, सुनो भागवत संत सुजाना और जन्म मरण से पिंड छुड़ाना। भागवत की कथा बड़ी पवित्र कथा है और ऐसी कथा कोई दूसरी नहीं हो सकती है कि कृष्ण कथा सुंदरे जग माही, कृष्ण कथा सुंदरे जग माही, कृष्ण कथा सुंदरे जग माही, कृष्ण कथा सुंदर जग माही, ऐसी कथा और को भुलाही, ऐसी कथा और को भुलाही, कृष्ण कथा कृष्ण कथा के सब अधिकारी, कृष्ण कथा के सब अधिकारी, कृष्ण कथा के सब अधिकारी, बालक ब्रते युवा और नारी, कृष्ण कथा सुंदर जग माही और ऐसी कथा और कोई नहीं। कृष्ण कथा के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा और नारी, जो मेरे गोविंद की कथा है ना उनके सब अधिकारी होते हैं, चाहे कोई बालक है, युवा है, नारी है, वृद्ध है, सब अधिकारी मेरे गोविंद की कथाओं के होते हैं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का पूजन किया
और देवताओं को पता चला तो देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में आए और सुखदेव जी महाराज से कहा कि सुखदेव जी आप जो भागवत रूपी अमृत परीक्षित को पिलाना चाहते हैं उस अमृत को आप हमें पिला दो और जो हमारे हाथ में अमृत का कलश है आप उस अमृत को परीक्षित को पिला दो। आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि आप तो यहां पर सौदा करने के लिए आए। अब सुखदेव जी महाराज अमृत का कलश लेकर के सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने एक धर्म तोड़ना लगाई, एक पल्ले में भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में अमृत को रखा, लेकिन जिस पल्ले में भागवत विराजमान वो पल्ला भारी पड़ रहा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि आप यहां पर सौदा करने के लिए आए, आपको भागवत श्रवण करने का सब अवसर प्राप्त नहीं होगा। और देवता वहां से चले गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि आप मुझे बताओ कि भगवान के कितने अवतार हुए, जैसा कि कल आप सभी ने श्रवण किया था भगवान के 24 अवतार और 24 अवतारों में से दो अवतार, दूसरा अवतार 12 का हुआ और 12 कहते हैं सुगर के लिए। तो परीक्षित कहने लगा कि भगवान ने सुगर का अवतार क्यों लिया। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कश्यप जी महाराज की 13 पत्नी थी, सबसे छोटी पत्नी के यहाँ पर हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का जन्म हुआ और छोटा पुत्र हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल में लेकर के चला गया। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के जल से बाहर आए। पहले इस संसार में केवल जल ही जल था और उस जल के अंदर एक सोने का अंडा उत्पन्न हुआ और जब सोने का अंडा फूटा उसी सोने के अंडे से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। पहले ब्रह्मा जी का एक मुख था, जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुड़कर के देखा तो ब्रह्मा के चार मुख हुए, एक ज्योति प्रकाशित हुई और वहां से आवाज आई कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, सबसे पहले शरद कुमारों को उत्पन्न किया, चार छोटे छोटे बालक और जन्म लेते ही वो वन की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहां के लिए जा रहे हो, तो शरद कुमारों ने कहा कि हमें तो भगवान का भजन करना है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया और ब्रह्मा जी की वृष्टि से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि उत्पन्न करो, तो वहीं पर रुद्र भगवान ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनियों को उत्पन्न करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा की सृष्टि को बंद कराया। अब ब्रह्मा जी ने एक एक करके 10 पुत्रों को जन्म दिया और 10 पुत्र वन की ओर चले गए और उसके बाद अपनी भुजाओं से मनु और शत्रुपा स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। हम जो मनुष्य हैं, हमारे माता पिता जो है वो मनु और शत्रुपा है। उससे पहले केवल स्त्री और पुरुष अपने मन में नेत्रों को बंद करके सोचते कि भाई हमें इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना सुंदर बालक चाहिए। केवल नेत्रों को बंद करके सोचो और जब नेत्र खोल के देखते तो सामने ऐसा ही बालक खड़ा दिखाई पड़ता। लेकिन जो मैथुन क्रिया मनु और शत्रुपा ने आरंभ की वो आज तक चली आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो मनु और शत्रुपा बड़े प्रेम के साथ सृष्टि उत्पन्न करने लगे
और उनके यहाँ पर तीन कन्याओं का जन्म हुआ, आकृति, देहूति और प्रसूति। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो देहूति है, मझली बेटी, विवाह के योग्य हुई तो हर माता पिता सोचते हैं कि हमें अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए और हमें अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना चाहिए जहां पर हमारी बेटी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। पिछले समय में जब भी पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाता था तो वो देखता कि कितना बड़ा भगवान का भगत है, कितना भगवान का भजन करता है, पूजा पाठ कितनी करता है। और आज के समय में अब पिताजी अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हराम से कितना कमाता है, या तो बालक के मस्तक पर चंदन लगा हो, गले में तुलसी की माला हो, तो केवल एक ही बात सोचते हैं कि कहीं ये बाबा जी ना हो जाए, और बाबा जी हो गया तो फिर हमारी बेटी किसके सहारे रहेगी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब मनु जी महाराज सोचने लगे कि मैं अपनी पुत्री देहूति का विवाह कहां पर करूं। इधर वन में एक संत है कर्दमुनि। कर्दमुनि ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, अब मुझे विवाह करना चाहिए। नारायण भगवान कहने लगे कि बाबा, अपना पूरा जीवन तुमने मेरी भक्ति में निकाल दिया और अब बुढ़ापे में विवाह की इच्छा हुई। तो नारायण भगवान कर्दमुनि के पास पहुंचे और कर्दमुनि के पास जाकर के कहा कि कल मनुजी महाराज अपनी पुत्री देहूति का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए आ रहे हैं। प्रार्थना कहकर के नारायण भगवान मनुजी के पास पहुंचे और मनुजी महाराज से कहा कि तुम अपनी पुत्री देहूति का विवाह कर्दमुनि के साथ कर दो। तो मनुजी महाराज अपनी पुत्री देहूति को लेकर के कर्दमुनि के पास पहुंचे और कर्दमुनि भली भांति जानते हैं कि मनु अपनी पुत्री देहूति को मेरे पास जो लेकर के आए हैं, मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। अब देहूति मेरी पत्नी बनने के योग है कि नहीं, इसकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। तो कर्दमुनि ने तीन आसन लिए और तीनों आसन सामने डाल दिए। एक आसन पर मनुजी महाराज विराजमान हुए, दूसरे पर सतरूपा विराजमान हुई और तीसरा आसन अपनी होने वाली पत्नी के लिए दिया। और कर्दमुनि ने कहा कि देवी, आप भी आसन ग्रहण करो। और स्वयं कर्दमुनि पृथ्वी पर बैठ गई है। जब देहूति माँ ने देखा कि मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए आसन बिछाया है और मुझे आज्ञा भी दी है कि आप आसन पर बैठ जाओ, यदि मैं अपने पति का कहा नहीं मानती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और मैं अपने पति के बिछे हुए आसन पर बैठती हूँ तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। फिर देहूति माँ ने देखा कि मेरे होने वाले पति स्वयं धरती में बैठे हैं तो मैं आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ। तो देहूति माँ ने अपनी भुजा को लिया, आसन पर रखा और स्वयं पृथ्वी पर बैठ गए। अब मनुजी महाराज कहने लगे कि ऋषिराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कर्दमुनि सोचने लगे कि भगवान से मैंने वरदान प्राप्त किया है कि वो मेरे घर पुत्र बनकर के आएंगे तो मैं दूसरे पुत्र की कामना ही क्यों करूं। तो कर्दमुनि ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ केवल एक शर्त पर विवाह करूंगा कि प्रथम संतान होते ही मैं ग्रस्त जीवन को त्याग दूंगा। अब मनुजी महाराज कहने लगे कि प्रथम संतान तो बहुत कम समय में हो जाती है लेकिन ये जीवन बहुत लंबा होता है। अब देहूति माँ कहने लगी कि पिताजी, इन्होंने अभी कहा था कि प्रथम संतान होते ही मैं ग्रस्त जीवन को त्याग दूंगा, लेकिन संतान में पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्री तो पराया धन होती है। हर माता पिता अपने पुत्री को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर एक ऐसे परिवार में भेज देते हैं यहाँ पर हमारी बेटी किसी को नहीं जानती। तो कर्दमुनि सोचने लगे कि भगवान ने मुझको वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। आज मनुजी महाराज ने अपनी पुत्री देहूति का विवाह कर्दमुनि के साथ किया।
और मनु जी महाराज अपनी पत्नी सतरूपा को लेकर के वापस अपने महलों के लिए चले गए। अब गर्द मुनि अपनी पत्नी देहूति को लेकर अंदर कुटिया में गए, जाकर के देखा तो कुटिया के अंदर सैकड़ों बिल बने हुए हैं। देहूति माँ ने पूछा कि स्वामी ये जो बिल है, कर्दम मुनि कहने लगे देवी इन बिलों में किसी में चूहा रहता है, किसी में सर्प रहता है, किसी में मेंढक रहता है और ये इस कुटिया को अपना मानते हैं, अपने परिवार के सहित निवास करते हैं। जब झोपड़ी में ऊपर देखा तो सैकड़ों घोंसले टंगे हुए हैं। देहूति माँ ने पूछा तो कर्दम मुनि कहने लगे देवी ये सब पक्षी इसमें निवास करते हैं, अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। देहूति माँ कहने लगी कि स्वामी आप कहाँ पर निवास करते हो? कर्दम मुनि कहने लगे देवी जो सामने 1.5 फुट का आसन पड़ा है ना, इस आसन पर मैं बैठ के भगवान का भजन करता हूँ। आज देहूति माँ बड़ी प्रसन्न हुई और देहूति माँ कर्दम मुनि आसन पर बैठे और उसके बाद देहूति माँ उनकी सेवा में लग गई है और कर्दम मुनि एक लंबी समाधि में बैठे। 40 वर्ष के बाद जब कर्दम मुनि के नेत्र खुले तो अपने सामने एक वृद्ध माता को बैठे हुए देखा तो कर्दम मुनि कहने लगे देवी आप कौन हो? देहूति माँ कहने लगी कि मेरे पति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। अब देहूति माँ ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि आपको ज्ञात है कि आज से 40 वर्ष पहले मनु जी महाराज अपनी पुत्री देहूति का विवाह तुम्हारे साथ करके गए थे। कर्दम मुनि कहने लगे क्या आप वही देहूति हो? कि हाँ मैं तुम्हारी पत्नी देहूति हूँ। कर्दम मुनि अपनी पत्नी देहूति को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और अपने मन से एक सरोवर को उत्पन्न किया और जब पत्नी को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गए, जब गए थे तो एक वृद्ध थे और जब स्नान करके वापस आए तो बड़ी सुंदर जोड़ी कर्दम मुनि और देहूति माँ की हो गई। 16 वर्ष की अवस्था देहूति माँ की हुई और 20 वर्ष की अवस्था कर्दम मुनि की हो गई। कर्दम मुनि ने कामक विमान को उत्पन्न किया और वो विमान मन की गति से चलने वाला है। जो देहूति माँ ने अपने पिता के द्वार पर सुख नहीं देखा, आज वही सुख अपने पति के यहाँ पर है। हजारों दासियां उनकी सेवा में लगी हुई है और बड़े प्रेम के साथ कर्दम मुनि ने अपना ग्रस्त जीवन आरंभ किया। और कुछ समय के बाद जब देहूति माँ के सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, कर्दम मुनि कहने लगे कि अब मुझे ग्रस्त जीवन त्याग देना चाहिए। देहूति माँ ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि प्रथम संतान में पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। अरे ये तो कन्या है, संतान में पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। कर्दम मुनि कहने लगे प्रभु आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। फिर सोचने लगे कि अब की बार मेरे घर पुत्र का जन्म होगा और आज देहूति माँ के गर्भ से एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया और जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए तो समझो किसी की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो सम्मान हम बेटे को देते हैं वो सम्मान हम बेटी को नहीं देते। और आज का समय बड़ा वैज्ञानिक समय है, जब भी हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से चेकअप कराते हैं गर्भ में बेटी हुई तो उस बेटी को हम मरवा देते हैं, कटवा कटवा के गर्भ से बाहर निकलवा देते हैं और बेटा हुआ उसे जन्म देते हैं। लेकिन उन निर्दयी माँ और बाप के कानों में नन्हे से फूल की एक भी आवाज नहीं जाती और वो नन्ना सा फूल वो बेटी एक बात कहती है कि मैं बेटों से कम नहीं हूँ, आप मुझे एक बार जन्म लेकर के गर्भ से बाहर तो आने दो। लेकिन उस नन्हे से फूल की कोई भी पुकार नहीं सुनता है। और आज के समय में आप देख भी सकते हो कि बेटियां बेटों से कम नहीं पड़ती। बेटी चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो और उसको पता चले कि मेरी माँ मेरे पिता बीमार हैं, तो वो अपना सब कुछ काम काज छोड़ करके अपने माता पिता से मिलने के लिए आ जाती है। और बेटा
जो हमारे पास रहता है, आप बीमार पड़े रहो और अपने बेटा से कहो कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ला करके दो, तो बेटा तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता। फिर भी हम बेटियों को वो सम्मान नहीं देते जो बेटियों को मिलना चाहिए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि मैं बिटिया तेरे आंगन की, और जाऊंगी बैठ की टोली, जाऊंगी बैठ की टोली साजन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली मैं साजन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, केवल एक ही बात कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल माती जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल माती जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल माती जाना मेरे भैया। शादी निभाना रक्षा, ओ लाज निभाना रक्षा बल। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया होती है तो उस समय हर माँ की आंखों में आंसू होते हैं अपनी बेटी को विदा करते समय, और बेटी केवल एक ही बात कहती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया
बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की। लेकिन कर्दम मुनि के यहाँ पर नौ नौ कन्या उत्पन्न हुई। कर्दम मुनि कहने लगे, प्रभु आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया? तो भगवान ने कहा कि अब की बार मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। जब देहूति माँ गर्भवती हुई और देहूति माँ के गर्भ से कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, तो कर्दम मुनि ने अपने पुत्र कपिल देव भगवान को प्रणाम करके वहां से वन की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी अपने नौ पुत्रों को लेकर के कपिल देव भगवान के दर्शन करने के लिए आए, और देहूति माँ ने ब्रह्मा जी के साथ में नौ पुत्र देखे तो देहूति माँ कहने लगी कि ब्रह्मा जी आपके साथ नौ पुत्र हैं और मेरे घर में नौ नौ कन्या है, क्यों ना मैं अपनी पुत्रियों का विवाह तुम्हारे पुत्रों के साथ कर दूं। और वहीं पर नौ पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। जो कला नाम की कन्या है मारीच को ब्याही, अनसुईया अत्री को ब्याही, श्रद्धा अंग्राजी को ब्याही, हुरबा प्लस्त को ब्याही, गत्य प्लहजू को ब्याही, क्रिया कृतुजू को ब्याही, ख्याति भृगुजी को ब्याही, अर्धांति वशिष्ठ को ब्याही और शांता अथर्वा को ब्याही। इस प्रकार से नौ कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से देवती माँ ने किया और नौ कन्या अपने अपने पतियों के घर चली गई। अब घर पर केवल देवूति माँ और कपिल देव भगवान है, और देवूति माँ भली भांति जानती है कि जो बालक मेरी गोद में खेल रहा है ये बालक साक्षात परमात्मा है, क्यों ना मैं अपने पुत्र से कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। तो आज देवूति माँ ने कपिल देव भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और एक छोटी सी चौकी सजा करके कपिल देव भगवान को विराजमान किया। अब कपिल देव भगवान कहने लगे कि माँ आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि हर पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो देवूति माँ कहने लगी कि मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम
स्वयं नारायण का अवतार हो और मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। जीव को सबसे अधिक दुख कहाँ होता है, कब होता है और जीव माँ के उदर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? जीव जब भगवान का भजन करने के लिए बैठता है तो उसका भगवान का भजन करने में मन क्यों नहीं लगता? कपिल देव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कपिल देव भगवान कहने लगे कि माँ ये जीव जल के द्वारा आकाश से पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आकर के अन्न में मिल जाता है और उसी अन्न को माता और पिता ग्रहण करते हैं और एक रात्रि में ये माँ के उदर में पहुंचता है और 5 दिन के बाद एक बेर जैसा आकार इस जीव का हो जाता है और जब जीव 15 दिन का होता है एक गोल अंडे जैसा आकार और 1 महीने में सबसे पहले इस जीव का सर बनकर के तैयार होता है। दूसरे महीने में हाथ और पैर का निर्माण होता है। 3रे महीने में लड़का है या लड़की इसका निश्चय होता है। और अगले महीने में 7 धातुएं इससे लिपट जाती है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाते समय हमें ईंट पत्थर सीमेंट सरिया की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इस शरीर को बनाने के लिए 7 धातुओं से इस शरीर बनकर के तैयार हुआ है। 5वें महीने में इस जीव को भूख प्यास लगती है और 6ठे महीने में जरा वायु का आहास होता है और 7वें महीने में इस जीव को बुद्धि मिलती है और ये जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब की बार मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा से मुझे इस गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि गर्भ में बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। और जब 9 महीने के बाद जब जीव जन्म लेकर के गर्भ से बाहर निकलता है तो बड़े बड़े अपशगुन होते हैं के जी कतो जग में पग दियो और आबत दीनो रोय जग हसे अस गुन भयो तो मंगल कहे बिद हो। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले बालक छींकता है और उसके बाद पहले तो छींकता है और छींकते ही फिर बालक रोना भी आरंभ करता और नहीं भी रोता तो परिवार वाले उसे पीट पीट करके रुला देते हैं। और जब बालक रोने लगता है तो सब लोग हंसते हैं। अभी हम अपने घर से बाहर जा रहे हो और सामने से कोई छींक जाए तो हम अपने घर के लिए वापस आ जाते कि अब सगुर हो गया, लेकिन जब जीव गर्भ से बाहर आता है आते ही सबसे पहले छींकता है। छींकत जग में पग दियो आवत दीनो रोए जग हसे असगुर भयो तो मंगल कह विद हो। कबीर दास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब तुम पैदा भये सब हसे तुम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि पीछे हसी ना हो। हमें ऐसा करके जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद में हमारी हंसी नहीं हो, क्योंकि हर जीव दुखी है कि दीन कहे धन बाने सुखी धन बान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार करे हरि
भजन बिना सब जीव दुखाई। जी बार बार गर्भ में कहता था कि मैं अब क्या इतना भजन करूंगा कि दोबारा से फिर मुझे गर्भ में ना आना पड़े, बोलना पड़ेगा। और हम मनुष्य को देख करके चार नर पशु बड़े प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले होता है कुत्ता। कुत्ता हम मनुष्य को देख के बड़ा प्रसन्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर देते हैं, ऐसे ही हम लोग हैं। अभी छोटे भाई ने बड़े भाई की जगह पर दीवार लगा दी तो बड़ा भाई केवल एक ही बात कहता है कि भले ही 10 लाख रुपया खर्च है जाए लेकिन तो कुछ 4 इंची दीवार नहीं दूंगा। कुत्ते भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, ऐसे ही हम मनुष्य हैं। छोटी छोटी बातों को देख करके झगड़ा शुरू कर देते हैं तो कुत्ते हमें देख करके प्रसन्न होते हैं कि हमारी बिरादरी के हैं। दूसरा बिटभरा, और बिटभरा बोलते हैं सुगर के लिए। तो सुगर भी हमें देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। अब सुगर जहां भी गया जैसा भी मिला बस गटक जाता है, वैसे ही हम हैं। कहीं से भी मिल जाए कैसा भी मिल जाए बस गटक जाते हैं। तो सुगर भी हमें देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई हमारी बिरादरी के, बोलना पड़ेगा। तीसरा है ऊंट। आपने देखा होगा ऊंट जब भी चलता है तो अपने सर को उठा करके चलता है, वो सर को कभी नीचे नहीं झुकाता, ऐसे हम हैं। हम भी निकलते हैं तो बड़े अभिमान के साथ निकलते हैं, हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। और आपने देखा होगा जब भी तूफान आता है ना, और जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो धड़ाक धड़ाक से टूट जाते हैं, और जो छोटा घास का तनका होता है वो झुक जाता है, और तूफान शांत होता है तो फिर वापस वैसे ही खड़ा हो जाता है। और चौथा है गधा। गधा भी हमें देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। गधे ने पूरे जीवन भर कुम्हार के लिए काम किया और आज तक किसी गधे को किसी भी कुम्हार ने ये पुरस्कार नहीं दिया कि भैया तुमने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कमाया तो मैं ये पुरस्कार मिलता है। जब भी मिले तो केवल 4 डंडे मिले, और जब गधा काम करने लायक नहीं रहता तो वही कुम्हार उस गधे को डंडा देकर के घर से बाहर निकाल देता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। वैसे हम हैं, जब तक हमारे हाथ पैर काम करते हैं, हमारा बेटा हमारी बहू हमारी बड़ी सेवा करती है, और जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो चारपाई दरवाजे पर डाली, अब उल्लू की तरह देखते हैं कि हमारा बेटा आएगा तो हमें पानी पिलाएगा, बहू आएगी तो हमें खाना खिलाएगी। अब बेटा और बहू केवल एक ही बात सोचते हैं कि हे प्रभु पता नहीं ये चारपाई कब खाली हो, कब ये बुढ़ा मरे और कब चारपाई खाली हो। बोलना पड़ेगा कि कब हो कियो ना भजनवा कैसी बीतेगी, कब हो कियो ना भजनवा कैसी कैसे बीतेगी, बाबरे कैसे बीतेगी, होली कैसे बीतेगी, मेरे सोनी कैसे बीतेगी, बहू कियो ना भजनवा कैसी बीतेगी, बहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हो रतना कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रतना कैसे बीतेगी, बहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
मस्त जवानी और माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुबानी बन गयो हाथन में कागरवा कैसी भी तैगी बनो हाथन में कागरवा कैसे भी तैगी बहू पियो ना बजने बा कैसी भी तैगी
नजर गई नजराने, हमर कान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, और खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए बहुए मारे ताने, कब मारे गो मोडरे बा कैसी बीतगी, अरे कब मारे गो मोडरे बा कैसे बीतगी, कब होगी ओ ना भजने बा कैसी बीतगी, कब कैसे बीतगी हो रतना कैसे बीतगी, और कैसे बीतगी मेरे सोनी कैसे बीतगी, कब होगी ओ ना भजने बा कैसे बीतगी, कब हो कियो ना बजने बा कैसे बीतगी, कब हो कियो ना बजने बा कैसे बीतगी, कब हो कियो ना बजने बा कैसे बीतगी, कृष्णा भागवत महापुराण की। कपिल देव भगवान कहने लगे, भैया हमें अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए, हमारी आंखें कहती है कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, हमारा मुंह कहता है अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले, हमारे कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनने के लिए मिले, तो हमें अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। और रामायण में तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही के प्रथम भगत संतने करो संगा, प्रथम भगत संतने करे संगा, राम कथा प्रसंग। प्रथम भगत संतन कर संग, जब पहली भक्ति है संतों का संग करना चाहिए, और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। जब भी आपको पता चले कि कहीं सत्संग चल रहा है, भागवत चल रही है, राम कथा चल रही है, तो कभी भी ये मन में ना सोचे कि भाई हमारे पास तो निमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाएं, वहां पर जाना चाहिए। और तीसरी भक्ति के बारे में कही, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भगत मम गुण गन करहो कपट तज ज्ञान। गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु के पद पंकजों की सेवा करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे गुरु तुमसे थोड़ा दूर रहते हैं, अब तुम हर रोज गुरु के आश्रम पर पहुंच जाओ और एक एक महीने तक गुरु के आश्रम में पड़े रहो, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और पांचवी भक्ति के बारे में बड़ी सुंदर बात कही कि मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम
सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति के बारे में बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कभी भी गुरु के दिए हुए मंत्र पर शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे गुरुजी कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो मंत्र हमको दिया है थोड़ा गलत बोल दिया, इसको हम सही कर ले। जो गुरु के मुख से जो मंत्र निकला है उसी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और छठवीं भक्ति के बारे में कहा कि छठी दम सीले बिरत बहु करे छठ दम सील बिरत बहु करे माँ छठ दम सील बिरत बहु करे माँ छठ दम सील बिरत बहु करे माँ मेरा तीन कर छठवीं भक्ति के बारे में कहा छठदम शील व्रत बहु कर्मा निरत निरंतन सज्जन धर्मा। आप जो संग करते हो, किसी अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर भी अच्छाइयां आएंगी, और किसी बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपके अंदर भी बुराई आएगी। बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे तो आज नहीं तो कल भैया एक घूट मार के देख कैसो आनंद आवे। चिलम पीने वाले के पास बैठोगे तो आज नहीं कल तो चिलम में फूक मारनी ही पड़ेगी। शराब पीने वाले के पास बैठोगे, अरे भैया एक गिलास पी के तो, और किसी सज्जन व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपके अंदर भी सज्जनता ही प्रवेश करेगी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और साथी भक्ति के बारे में कहा सातम सम मोह जग देखा और मोह से अधिक संत कर लेगा। सातम सम मोह में जग देखा सातम सम मोह में जग देखा सातम सम मोह में जग कर लेगा से आदि कर लेगा। सातवीं भक्ति के बारे में कहा सातम सम मोह जग देखा मोह से अधिक संत कर लेगा। जब संतों के दर्शन हो जाए तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। संतों के दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, बोलना पड़ेगा। और आठवीं भक्ति के बारे में कहा आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे परदोषा। बड़ा सुंदर अर्थ है आठम यथा लाभ संतोषा। जो भी हमारे सामने है उसी पर संतोष करना चाहिए। कभी ये विचार लेकर के नहीं आए कि भाई हमारे पड़ोसी के यहाँ तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं और हमारे पास दो दिन की बासी रोटी और वो भी बिना चटनी के। और कभी भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, एक उंगली को सामने वाले की तरफ करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। हमने एक उंगली को सामने वाले की तरफ किया लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाकी चार उंगली मेरी तरफ भी तो आई। जब सामने वाले में कोई गलती है तो मेरे अंदर कितनी गलती है। हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं और सामने वाले की गलतियों को बार बार देखना चाहते हैं। एक भक्त बड़ा गरीब, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं, और भक्त के मन में विचार हुआ क्यों ना मैं भोले बाबा की तपस्या करूं और भोले बाबा से वरदान प्राप्त करता हूं।
तो भक्त वन में पहुंचा और वन में जाकर के भोले बाबा की तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के बाद में भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मो ब्रह्मो वरदान मांगो वरदान मांगो। अब भक्त कहने लगा कि भोले बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोने का घंटा लेकर के आज भक्त के हाथ में दिया और कहा अरे भक्त जब भी तुम्हें कोई वस्तु मांगनी हो इस सोने के घंटे को बजाओ, वही वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। अब भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, घर के लिए चलने लगा। भोले बाबा ने कहा अरे भक्त रुक जाओ, जब भी तुमने सोने के घंटे को बजाया और कोई भी वस्तु मांगी तो तुम्हारे यहाँ तो वो एक वस्तु आएगी लेकिन तेरे पड़ोसी के यहाँ पर डबल डबल पहुंच जाएगी। अब भक्त कहने लगा कि तपस्या मैंने की, वरदान मैंने प्राप्त किया और इसका आनंद ले तो मेरा पड़ोसी ले, क्योंकि हमें जलन भी होती है तो अपने पड़ोसियों से होती है। बोलना पड़ेगा तेरी नाली को पानी मेरे घर के आगे से कैसे निकलो, निकलना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पड़ोसियों से बड़ा जलन होती है। बोलना पड़ेगा और अच्छे पड़ोसी मिलना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। अब वो भक्त अपने घर पे आया, अलमारी में आकर के सोने के घंटे को रखा, बाहर से केवाड़ लगाई, अपनी पत्नी से कहा कि कभी भी भूल करके सोने के घंटे को मत बजा देना, और इतना कहकर के वहां से चला गया। अब पत्नी घर में झाड़ू दे रही थी, भूख और प्यास से व्याकुल हुई, किवाड़ को खोला, सोने के घंटे को निकाला और कहा भोले बाबा बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने का पदार्थ मिलना चाहिए। सोने के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सामने उपलब्ध हुए। अब भक्तानी ने खूब झिक करके प्रसाद ग्रहण किया लेकिन ये भूल गई कि मेरे पड़ोसी के यहाँ पर 2 सोने की थाली पहुंच गई है। अब भक्तानी ने खूब प्रसाद ग्रहण किया, फिर सोने का घंटा उठाया बजाया, कहा बाबा एक सुंदर सा महल भी बन जाए। अब भक्तानी का तो एक महल बना और पड़ोसी के 2-2 महल खड़े हैं। 4 नौकर मांगे तो पड़ोसी के यहाँ पर 8 नौकर खड़े हुए हैं। 4 गाड़ी मांगी, पड़ोसी के घर 8-8 गाड़ी खड़ी हुई है। अब बेचारा भगत आया, आकर के देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने कहीं सोने के घंटे को तो नहीं बजाया। पत्नी ने कहा कि हाँ सोने के घंटे को बजाया और भोले बाबा की कृपा से ये सब हमारे पास है। बाहर जाकर के देखा तो 2 महल खड़े हुए हैं, 4 गाड़ी हैं, 8 नौकर हैं। तो उस भगत के मन में गिलानी उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अंदर पहुंचा, सोने का घंटा उठाया और कहा भोले बाबा मेरा एक नेत्र फूट जाए, मेरा एक फूटेगा पड़ोसी तेरे, बोलना पड़ेगा राधे राधे। फिर भी शांति नहीं हुई, कहा भोले बाबा मेरा एक हाथ टूट जाए, मेरा तो एक टूटेगा लेकिन तेरे दोनों के दोनों टूटेंगे। फिर भी शांति नहीं हुई, कहा भोले बाबा मेरा एक पैर भी टूट जाए, मैं तो एक हाथ एक पैर एक आंख से काम चला लूंगा लेकिन बेटा तू कहां जाएगा, क्योंकि हमें जलन भी होती है तो अपने पड़ोसियों से होती है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमें द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वेष रूपी जो वृक्ष होता है, हम अपने घर में कोई भी पौधा लगाएं और वो पौधा बड़े समय में जाकर के बड़ा होता है, लेकिन जो ईर्ष्या रूपी वृक्ष है वो बहुत कम समय में बड़ा विराट रूप ले लेता है। तो कपिल देव भगवान कहने लगे कि माँ हमें अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए। हमारी आंखें कहती कुछ सुंदर देखने के लिए मिले तो हम भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान की सुंदर सी मूर्ति को निहारें। लेकिन आज किसी के घर में जाकर के देखो तो दीवार पर आपको भगवान की तस्वीर तो कम मिलेंगी, कहीं धर्मेंद्र चिपका हुआ है तो कहीं श्री देवी चिपकी हुई है, भगवान की तस्वीर नहीं मिलती है। हमारा मुंह कहता है अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले तो हम अच्छे पकवान बनाएं और पकवानों को थाली में परोसे और मंदिर में जाकर के भगवान का भोग लगाएं और उसके बाद में उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करो। हमारा मुंह कहता है कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले और तब उस प्रसाद को आप ग्रहण करो तो आपको बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे कान कहते हैं कुछ अच्छा सुनने के लिए मिले तो आप भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनो, लेकिन आज के समय में
भजन तो बहुत कम सुनने के लिए मिलते हैं। हमारी माताएं बहना पहले बैठ के भोजन बनाती थी और आज खड़े होकर के भोजन बनाती हैं। बगल में टीवी चलता रहता है और टीवी में गाना बजता है, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। अब जो खाने को खाएगा वो कहां कहां पर डोलेगा। हमारी जो वृद्ध माताएं होती थी वो भजन गाती थी कि आना श्री भगवान हमारे घर कीर्तन में। और आज की जो हमारी माता बहना है, छज्जे ऊपर बोयो बाजरो खिल गए फूल चमेली को, उनसे भजन नहीं गाया जाता है। और जो मनुष्य योनि जो मिली है, मैं 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य देह मिलती है और ये केवल हमें भगवान का भजन करने के लिए मिलती है। और इस भजन इस मनुष्य देह से हमने भगवान का भजन नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बोलना पड़ेगा कि नहीं राम नाम लीनो, नहीं कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में और दो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, दो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तेरी काया फस जाएगी काठी में, सोने से तेरी काया कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में, डूब मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कुछ भी नहीं है तेरा, जो कहता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, जो कहता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा रखना तेरा मर गटने तेरा, एक दिन होगा सोनी तेरा मर गटने तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर गटने तेरा, एक दिन होगा भैया ऐसी जिंदगानी में। डूब के मर जा रे
पानी में दो व्यक्ति मर जा रे टुल्लू भर पाले में कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है रत्ना भक्ति में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है ये कर सच्ची भक्ति है रत्ना भक्ति में शक्ति है भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है भैया भक्ति से रत्ना मिल जाएगी मुक्ति है भक्ति से सौरी मिल जाएगी मुक्ति है भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है तेन बालापन खोयो की मर जा रे चुल्लू भर पानी में जो भगवान का भजन नहीं करता ऐसे व्यक्ति को ऐसे जीव को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए बोलना पड़ेगा राधे राधे। कपिल देव भगवान कहते हैं कि माँ हमें अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए जब हमारी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मुड़ जाएगा तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और देवूति माँ अपने पुत्र कपिल देव के मुख से कथा को श्रवण करके बड़े गदगद हुई और वहीं पर श्रद्धा नाम का जल बनकर के सागर में जाकर के मिली और सागर में जाकर के सागर के किनारे कपिल देव भगवान ने बड़ी सुंदर सी परम कुटी बनाई और उसी परम कुटी में कपिल देव भगवान निवास करते हैं। अभी आप देवूति माँ की कथा को श्रवण कर रही थी। इनकी दो बहन हुई आकृति और प्रसूति। जो आकृति है रुचि प्रजापति के लिए व्याही प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए व्याही। इनके यहाँ पर 16 कन्याओं का जन्म हुआ 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। जो सुहा नाम की कन्या उनका विवाह अग्नि देव के साथ में हुआ है। जो सुधा नाम की कन्या उनका विवाह पितरों के लिए हुआ। सबसे छोटी कन्या जिसका नाम हुआ सती और सती माँ का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ और सती माँ अपने पति भोले बाबा के साथ कैलाश पर निवास करती है। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को एकत्र किया और सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। उसी सभा में भोले बाबा भी बैठे हुए थे और भोले बाबा जहाँ भी जाते हैं उनकी समाधि लग जाती है। तो भोले बाबा अपने आसन पर बैठे और बैठते उनकी समाधि लगी और सबके बाद में दक्ष प्रजापति का सभा में प्रवेश हुआ तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को नमस्कार प्रणाम किया लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे वो खड़े नहीं हुए। देवता कहने लगे कि अरे प्रजापति दामाद तो पुत्र के समान होता है और ये तुम्हारा कैसा दामाद जो तुम्हें खड़े होकर के नमस्कार भी नहीं कर सकता। आज दक्ष प्रजापति ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो भी आज से तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेगा
जो भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करेगा वो पागल हो जाएगा। और भोले बाबा का प्रसाद जानते हो क्या होता है? क्या होता है? लड्डू, जलेबी, भांग, गांजा, दतूरा, ये भोले बाबा का प्रसाद है। आपने देखा होगा जो भांग गांजा खाने वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं। भोले बाबा के पास में नंदी खड़े हुए थे। नंदी ने कहा कि तुमने हमारे प्रभु के भक्तों को श्राप दिया कि जो भी उनका प्रसाद ग्रहण करेगा वो पागल हो जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 100 वर्ष बाद तुम्हारा धड़ सर से अलग हो जाएगा। अब भोले बाबा समाधि से जाके कैलाश पर आए और आकर के एक लंबी समाधि में बैठ के 99 वर्ष की लंबी समाधि भोले बाबा ने लगाई। 99 वर्षों में दक्ष प्रजापति ने 99 यज्ञ किए। और जब 100वां यज्ञ आरंभ करना चाहते हैं तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और देवताओं से कहा कि तुम अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के विमान में बिठा करके आकाश के कैलाश के ऊपर से लेकर के आना। तो देवता अपनी पत्नियों को विमानों में बिठा करके अब कैलाश के ऊपर से जाने लगे। और वहीं पर सती माँ ने देखा, देवताओं से पूछा, अरे देवताओं तुम अपनी पत्नियों को लेकर के कहाँ पे जा रहे हो? तो देवताओं ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ पर 99 यज्ञ हुए हैं और 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया? अब सती माँ भोले बाबा के सामने जाकर के बैठी, भोले बाबा की समाधि से जागे और सती को देखा। और नंदी के द्वारा सती माँ को पता चला कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति भोले बाबा से द्वेष मानते हैं, इसलिए तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं दिया। तो सती माँ कहने लगी कि मैं अपने पिता के द्वार पर जाऊंगी, पिताजी के पास जाऊंगी और पिताजी को अपने साथ में यहाँ पर लेकर के आऊंगी और मेरे पिताजी तुम्हें यहाँ से मना करके ले जाएंगे। जब पत्नी अपने पति के पास जाती है, पति से कहती है कि मुझे अपने माई के जाना है और पति देव कहें कि तुम अपने माई के नहीं जाओगी, तब उस समय पत्नी का मुख देखने लायक होता है और केवल एक ही बात कहती है कि तुमने मुझे मोल थोड़ी खरीद लिया है, मैं तो अपने मैया से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। सती माँ कहने लगी मुझे अपने पिता के पास जाना है और मैं अपने पिता को अपने साथ में लेकर के आऊंगी। भोले बाबा ने कहा सती तुम नहीं जाओगे। सती बार बार जिद करती है, भोले बाबा ने मना किया। जब जिद करने लगी सती माँ, चलने के लिए तैयार हुई तो भोले बाबा ने कहा कि सती तुम जा तो रही हो, अपने वस्त्र और आभूषण अपने साथ में लेकर के जाओ। सती माँ कहने लगी नहीं भोलेनाथ, मैं जा रही हूँ और अपने पिता को अपने साथ में लेकर के आओ। भोले बाबा ने कहा कि सती आप मत जाओ, जा तो रही हो लेकिन वापस नहीं आओगे। लेकिन सती नहीं माने कि ऐसी कलह लई मोले हमोले भिजवाए दे भोला बिहारी को, ऐसी कहने नहीं मोले हमोले भिजवाए दे भोला बिहारी को, ऐसी कहने नहीं मोले हमोले भिजवाए दे भोला बिहारी को, ऐसी कहने नहीं मोले हमोले बिजवाए दे भोला पियर को, 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 ऐसी कहल है लही मोले हम ओले बिजवाए दे भोला पियर को, ऐसी कहल है लही मोले भिजवाए दे भोला पियर को।
जाए कल आऊंगी, मैं आज जाए कल आऊंगी, आज जाए कल आऊंगी, मैं आज जाए कल आऊंगी, अपनी मैया से मिल 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 आऊंगी, मैं कह रही हूँ खोले भिज बाज भोला पी हरे को, ऐसी काल लय मोल अमोल भिज बाज भोला पी हरे को,
बोलो शंकर भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, जय